पंथ खालसा जी चढ़दी कला रहे जब तेरी पंथ खालसा जी चढ़दी कला रहे जब तेरी पंथ खालसा जी चढ़दी कला रहे जब तेरी पंथ खालसा जी चढ़दी कला रहे नित तेरी पंथ देखी मैं दुनिया तो देखी मैं दुनिया तो गुरु घर दी जान उचेरी देखी मैं दुनिया तो गुरु घर दी जान उचेरी अरदास करो सचे पाशाह तुहाडे बने आ बने रहिए मैं कुकर तेरे द्वारे दा राम को मुतिया मेरो नाओ गले हमारे जेवरी जह खींचे तह जाओ गुरु घर दे कुकर बन के विचरिए प्यारेओ गुरु घर दे विच सचे पातशाह दी मेहर नाल अज नाम दर्ज करवाया 2035 ओ ने अज जेड़े डेरे नू छड के आए ने जिन्ना ने आने वाह वाह बहुत ही खुशी की गल संगत जी ये बहुत ही खुशी की गल सचे पातशाह की मेहर नालो भागा वाले ने वेखो प्यारियो किड्डा वड्डा मान सत्कार जी आया नूं तुहानूं गुरु घर विच मुड़ के आयो ये धर्म परिवर्तन नहीं किया जा रहा रौला पाउण गे आखण गे धर्म परिवर्तन करदे ने सिख ये धर्म परिवर्तन कादा है सगों सिखा नूं ते तुसी अपने मगर लाया धर्म परिवर्तन ते तुसी कीता सी असी ते इहनां नूं मुड़ के अपने घर च लैके आए हां आखो सतनाम धर्म परिवर्तन नहीं होया तुहाडा धर्म है ही किहड़ा चार चिन्ह ला लै इक हिंदुआं दा इक सिखां दा इक मुसलमानां दा इक ईसाइयां दा है किहड़े उह सानूं इह ते दसो वी तुहाडा धर्म है किहड़ा उह धर्म है कोई ते सगों सिख मुड़ के आ रहे ने अपने असली घर विच असली धर्म विच ते सवेर दा भुलिया शाम नूं घर मोड़ आवे गुरमुखो ओनू भुलिया नहीं कहिंदे ते भागां वाले ने जिहड़े अज अमृत छक के मर दी कृपा नाल गुरु के जहाजे चढ़े ने दुनिया दे लोग बड़ा कुछ कहणगे कई माड़ी जी गल पिछे मैं नहीं सां पींदा धक्के नाल पियाती पर धक्के नाल कोई जहर नहीं पिया दिंदा इदां दे बहाने बनाउण वाले लोग हुंदे ने एक गया महापुरशां कोल अमृत छक आया घर वाली कहिंदी मैं नहीं छकण देना कहिंदा मैं छक के आऊं धक्के नाल छक आया जदों घर मुड़ के आया कहिंदा मैं सिरी साहब पा लई कहिंदे लवा के छड्डूं तेरी सिरी साहब घर वाली कहिंदी ओ सच्ची गल ओही गल बणी थोड़े चिर बाद मुंडे नूं उहने चुकिया गोदी चुकिया जरूर ओहदे जोर नाल मुंडे दे चुंडी वड़दिया करे मुंडा रोया करे कहिंदे मेरा मुंडा रोंदा क्यों आ कहिंदे तेरी कृपान तों डरदा
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰ ਕੱਢੇ ਉਹ ਸੂਈ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੇ ਮੱਝ ਉੱਥੇ ਲੱਤ ਮਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਝ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕਕਾਰ ਲਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਸਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੁਟੀ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹਦਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਵਾਈ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਵੀਰ ਰਸ ਬੈਰਾਗ ਹਾਸ ਰਸ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 52 ਕਵੀ ਸਨ 52 ਵਿੱਚ ਹਾਸ ਰਸ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਹਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਉਹ ਹਾਸਾ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਾ ਕੇ ਹੱਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੱਸਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ 6000 ਜਿਹੜਾ 122 ਪ੍ਰਾਨੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਸੋ ਮੈਂ ਅਰਜੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਪੜਬੋ ਭਲਾ ਪੜਬੇ ਸਿਉ ਭਲ ਜੋਗ ਭਗਤ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰਾਮ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦੋ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਜਿਗਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਰਗੀ ਤੋਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੌਂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਜੇ ਹਾਥੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਿਰ ਜਾਏ ਪਰ ਹਾਥੀ ਕੰਨ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਦਿਲ ਰੱਖੀਏ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰੀ ਦਿਲ ਰੱਖੀਏ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗਾ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰੀ
ग्रह चाहिए शेरा वर्गी मस्ती होवे गुरमुखो हाथियां दी तोर तुरिए इदां दा होवे गुरसिख परवाह ना करे किसे दी दुनिया जो कहती है कहण दिओ किसे दी परवाह ना करो जे सच दे मार्ग उत्ते तुरे हो तुरदियां 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 एक ना एक दिन सानू साडी मंजिल जरूर मिलेगी सच्चे पातशाह बख्शिश करनगे। भाई मनी सिंह साहब ने आखिया सी ओ कहिंदे जलादो रुक जाओ वो कहिंदे डर गए हो कहिंदे डरिया नहीं तू टोका लगा है मेरे गुट कोल मारन ते तेनू हुक्म है बंद बंद कटण दा बंद ते पोटे तो शुरू हुंदा है आखो सतनाम पोटे तो शुरू हुंदा है बंद बंद कट दिता सूरमे दा तीन टोकरियां विच मास पाया गया कहिंदे उहदे मास विचों रोम रोम विचों वाहिगुरु की आवाज आउंदी रही। सो साध संगत इसे तरह बाबा दीप सिंह साहब ने भी वर लिया मैं पंजा मिनटां विच समाप्ति कर देनी है ते मैं तुहाडे चरणां च जरूरी अर्ज करनी चाहुंदा कि समाप्ति जदों हुंदी है अरदास अज होनी है ते तीन दिन संगतां ने हाजरी भरी दी अरदास कई एक दिन आए ने उहनां दी भी हाजरी तीन दिन लग जाणी ते जिहड़े पहलां उठ के चले गए ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ 11 ਸਾਲ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਧਰੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਚੱਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ 11 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 11 ਮਿੰਟ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ 11 ਮਿੰਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਸਾਲ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਤੇ 4 ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੱਥੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ 4 ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਸਰੂਪ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਹੱਥੀ ਲਿਖੇ 4 ਸਰੂਪ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਬੱਚੇ 8 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ 8 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ 8 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਬਿਨਾਂ ਬਚ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਭਜਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਇਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇਹ ਇਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਖੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਖਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜੋਸ਼ ਆਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੌਤ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ
फिर बाबा दीप सिंह साहब ने कलम चुक ली। 75 साल की उम्र सी जदों अबदाली आउंदा सी हिंदुस्तान ते चढ़ के हिंदुस्तान नूं लुट के हिंदुस्तान दे खजाने लुट के लै जांदा सी, हिंदुस्तान दीआं बहु बेटियां नूं साध संगत बन के लै जांदा सी, उहनां दी पत्त रोली जांदी सी। उहदे अबदाली दे राज विच उहनूं कोई उहदा राह रोकण वाला नहीं सी, कल्ले सिंह सन जिहड़े अबदाली नूं रोक लैंदे सी, अबदाली का खजाना लुट लेंदे सी, अबदाली नूं भाजड़ा पा देंदे सी। अबदाली एक वारी लुट के जा रहा सी वापस, उदों उहने आख्या अबदाली ने कि कोई नहीं मेरे तो, सारे मेरे तो डरदे ने पर सिख ने जिहड़े मेरे तो नहीं डरदे। अहमद शाह अबदाली अपने पुत्र तामूर की ड्यूटी ला के गया, कहिंदे तू सिखां नूं खत्म कर दे। तामूर ने फिर जहान खान नूं इंचार्ज बनाया, जहान खान नूं अमृतसर दा इंचार्ज सूबेदार बनाया। जहान खान ने फिर वेख्या, कहिंदे सिख शक्ति कित्थों लैंदे ने, कहिंदे इक ते इहनां दे कोल खंडे बाटे दा अमृत है ते दूजा इहनां कोल अमृतसर सरोवर है, जे मरदे मरदे भी आ के उहदे विच इशनान कर लैण ते फिर लड़न वास्ते तैयार हो जांदे। ते जहान खान ने सब तो पहला अमृतसर की बेअदबी की, हरिमंदर साहब की बेअदबी की। खालसा जी जदों जदों तो सरकारां आउंदियां रहियां ने, जदों तो हरिमंदर साहब बनिया है, सारिया सरकारां दा यह जोर लगता रहा है कि हरिमंदर साहब नूं खत्म करो, सिखी खत्म हो जाएगी, हरिमंदर साहब विचों आउण वाली आवाज बंद करो। पर वह आवाज अज भी आ रही है ते आउंदी रहनी है, क्योंकि वह सच की आवाज है। गुरमुखो जिथे असी पैर रखने ना हरिमंदर साहब दीआं परिक्रमा च, महापुरश कहिंदे हुंदे सी जदों तुरो एक एक कदम बड़ी हौली हौली रखिया करो, काल ना करिया करो। कहिंदे जिथे असी कदम रखने आ पता नहीं उत्थे किन्नेआं क सिंघां दे शरीर पए होए परिक्रमा च, उहनां दीआं हड्डियां पता नहीं अज भी किन्नियां कौन दियां हड्डियां उत्थे पईआं होईआं ने, कोई पता नहीं। हरिमंदर साहब की धरती ते सब तो पहला हरिमंदर साहब की बेअदबी की। अमृत सरोवर नूं पूरिया गया, इस गल का पता लगा बाबा दीप सिंह साहब नूं। 75 साल के बापू ने कलम रख के 75 साल की उम्र बजुर्गों वाली, फिर बाबा दीप सिंह साहब ने कलम रख के ते तलवार चुक ली। दास ने कल भी अर्ज की सी, चंगी विचार जे पिछे ना होएगी ते तलवार ने जुल्म करना है, ते विचार चंगी सी तलवार चुक ली। अठ सिंह सन कोल, अठ केवल अठ, पर हिम्मत वेखो जथेदार दी, आगू तकड़ा सी, चल पए। उन्हें बेअदबी की है साढ़े गुरु की, नहीं चल सकता सिख। बाबा दीप सिंह साहब तुरे, मालवे दे मलवई सिंघां दा 5000 दा जथा हो गया, एक एक करके नाल रलदे गए। उन्हां नूं पता सी कि साडा आगू तकड़ा है, शाह मुहम्मद एक जथेदार बाजों कौमां जित के अंत नूं हारियां ने। आगू तकड़े होण ते आपे चढ़दी कला हुंदी है, ते अज जो पिछे जे दुखांत वापरिया जां पंजाब दी शांति बरकरार रही है, जां सिखां दा घाण नहीं होया, पहला वांगू नहीं गल बनी, ये सब जथेदारां दे योग फैसले कारण है। सिंह साहब जी इत्थे भी बैठे ने, पंज सिंह साहिबाना ने बड़े सोहने फैसले लए ने, जिहड़ा उहनां ने आखिया सी कि इहनां लोकां नाल रोटी ते बेटी दी सांझ छड्ड दिओ, बस इस फैसले ने हजारां ये डेरे दे प्रेमियां नूं गुरु घर नाल वापस जोड़ दिता। यह फैसला जे पिंड पिंड लागू हो जाए, मैनूं खुशी है राजस्थान विच बड़ा यह फैसला लागू हो गया, बहुत कृपा। बहुत सारिया कमेटियां डरदिया ने, वह कहणगे छड्डो जी पर सानू की लोड़ है, पर सिंह साहब का फैसला असी पिंड पिंड लागू कर दईए, बहुत सोहना फैसला। इहदे नाल ही वेखो किन्ने हजारां की गिणती विच उहदे चेले अज सिखी सरूप विच आ रहे ने, बाणी और बाणे दे धारनी हो रहे ने। बाबा दीप सिंह साहब का 5000 का जथा बन गया, चलते चलते तरन तारण साहब की धरती से पहुंचे। तरन तारण जाके बाबा दीप सिंह साहब जी ने अरदास की, सचे पातशाह मैं अपना सीस तेरे चरणा च भेट करांगा, मेरा यह प्रण है
ते तुहानू भी पता है भी गुरु गोबिंद सिंह ने आखिया सी कि जे प्रण करेगा ना ते तेरा मौत भी राह नहीं रोक सकती। प्रण जे कर लेगा तेरे प्रण किते निभणगे दीप सिया। ये महाराज का वारसी ये गुरु गोबिंद सिंह की बख्शिश सी। तरन तारन साहब की धरती उत्ते धन बाबा दीप सिंह साहब अरदास करके तुर पए। नाल गुरमुखो 5000 सिंघां दा जथा ते बाबा दीप सिंह साहब जी ने एक लीक खिची ते नाल इह आखिया ओ टप्पिया जे जिन्हां नूं जान नहीं प्यारी लगदी ओ मुड़ जाओ घर। जिन्हां नूं अपनी जान प्यारी आ ओ वापस मुड़ जाओ ते ओ लीक टप्पो जिन्हां नूं जान नहीं प्यारी लगदी। बस फिर बाबा दीप सिंह दे पिछे छाला मार गए सिंह सारे। असीं भी बोलो गज के सानू धर्म प्यारा लगदा है। धर्म जथा गोलवड़ पिंड दे कोल पहुंचिया ते गुरमुखो गोलवड़ नगर दे कोल गए जदों अगों 30,000 फौज लैके जहान खान आया। कईयां ने गिनती 40,000 लिखी आ कईयां ने 30,000 पर 5,000 दे सामने 40 जे 30 भी कह लो ते 30 भी कोई थोड़ा नहीं। 5,000 उधर 30,000 सात संगत जी जदों सामने आए ते बाबा दीप सिंह साहब जी ने इशारा किया। जयकारे सिंघां ने लाउणे शुरू किए ते सात संगत सिंघां दे जयकारियां विच ही इन्ना दम हुंदा सी कि जालम जरवाने डरदे पिछे दौड़ जांदे सी। जयकारे ला के ही डरा देंदे सी। सिंघ एडे तकड़े सी पहले समयां च ते जिवें जिवें सिंघ अगे हुंदे गए जदों सात संगत युद्ध होना जंग होना शुरू होया सात संगत जी एक एक सिंह हजारां नूं विन्नदा गया पिछे नूं लै गए धक्क के फौज नूं अगे नहीं आउण दित्ती। तरन तारन साहिब वल शहर दे नेड़े पहुंच गए। बहुता लम्मा ना लैके जाइए इतिहास नूं। जहान खान हाथी ते बैठा सी। जथे दा सिंह सी बाबे दीप सिंह दा भाई दयाल सिंह। ओह चढ़िया घोड़े ते सवार होया ते जहान खान नूं आखिया सी जहान खान ले गुरु के सिख दा वार आ रहा ही रोक सकदा ते रोक ला। ऐसा वार कीता भाई दयाल सिंह ने एक वार दे नाल ही जहान खान दा सिर धड़ तों जुदा कर दिता। ते भाई दयाल सिंह जयकारे लाउंदा जदों मुड़िया जदों वेख्या भी जहान खान मारिया गया फौज दे हौसले टुट गए पिछे नूं मुड़ गए सारे। ते उस वेले साध संगत जमाल शाह फिर अगे आया ए भी तकड़ा फौजदार सी। जदों ये सामने आया बाबा दीप सिंह नूं ललकारिया कहिंदे बाबा तू इधर आगू है मैं इधर आगू लै के आपां दोवें जथेदार जथेदार आपां ही आपस च वेख लईए दो हथ करके इन्ने कातों मरवाउणे ने। बाबा दीप सिंह साहब दी 75 साल दी उम्र ओ 30 साल दा जवान जदों दोवें सूरमे आमो सामने होए
ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਮਾਲ ਖਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਮਾਲ ਖਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਜਮਾਲ ਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਰਾਹ ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਧੜ ਅਜੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕਦਮ ਸੰਭਲ ਗਏ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੂਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਲ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਮੌਤ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, 8 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਉਧਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਛਿਪ ਗਿਆ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਰਜਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ ਮਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲਿਆ, ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ 4 ਸਰੂਪ ਹੱਥੀ ਲਿਖੇ, 4 ਸਰੂਪ 11 ਸਾਲ ਕਲਮ ਚਲਾਈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਖਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਡਾ ਵੱਜਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ, ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜੂਝਦੇ ਗਏ, ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇ। ਅਫਗਾਨ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਖੰਡਾ ਫੇਰ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਲੜਦਾ ਬਾਬਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਲੜਦਾ ਬਾਬਾ, ਅਮਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ।
शक्ति सी बाबा दीप सिंह साहब बिना सिर तो लड़े ने ओ अमृत जेड़ा अमृत आज तुसी छक के आए हो गुरमुखो पानी विच रंग घोल के अमृत नहीं बन जांदा पानी च रंग घोल के जिन्हां नूं पियाया उन्हां नूं ते बेचारियां नूं बिपता छिड़ गई है हुण पर गुरु के लाला ने अमृत छकिया ओ कारनामे कर विखाए जिन्हां बारे असीं सोच भी नहीं सकते संसार सोच भी नहीं सी सकता भी एदां भी हो सकता कदे कोई बंद बंद कटा सकता हस के कोई खोखर लहा सकता हस के कोई चरखड़ियां ते चढ़ सकता हस के एदां नहीं हो सकता कोई अखां सामने पुत शहीद हुंदे वेख सकता हस के कोई लालां दे गल च हार पवा सकता हस के इह ते सिख ने इन्ने दुखां विच भी हसदे रहिंदे ने इन्ने दुखां विच भी खिड़खिड़ाउंदे रहिंदे ने सो साध संगत महाराज ने सानू अमृत दी दात दित्ती सानू अपने आप उत्ते मान नहीं होना चाहिए असी बड़े सिख हाँ बड़िया कमाइया ने साडिया बड़ा नितनेम है पर गुरमुखो सानू इस गल का जरूर मान होना चाहिए असी धन गुरु गोबिंद सिंह पिता दे पुत्र ओ साडे पिता ने असी उन्हां दे पुत्र भावें बुरे भावे भले भावे माड़े भावे चंगे महाराज तुहाडे आ प्रभ जीओ खसमा ना कर प्यारे बुरे भले हम थारे सो साध संगत जी हुक्म है संगत दा अगले साल दे दीवाना बारे कहिंदे ने जे शरीर च सवास रहे भरोसा इक पलदा नहीं केड़े वाले केड़े वेले की भाणा वरत जाना कोई पता नहीं हुंदा एक दम दे आदमी आ हम आदमी हाँ एक दमी मोहलत मोहत ना जाना जेड़ा सवास अंदर गया है उदा भी पता नहीं बाहर आना है कि नहीं आना आदमी दम आ रहा है ते आदमी नहीं ते मिट्टी दी ढेरी सो अगले साल वास्ते हुक्म है शरीर च सवास रहे ते जरूर आप जी दे अगले साल दर्शन करांगे सात श्री अकाल सात 19-21 सितंबर दे दीवान हन नवी अनाज मंडी शहर मलोट जिला मुक्तसर 19-21 सितंबर दे तीन दीवान ने राजस्थान विच बुढ़ा जोड़ और अनूपगढ़ दीवान लगे ने आ तीसरा समागम है तुहाडा इत्थे जिथे दर्शन हो रहे ने आने वाले समय च अजे तक राजस्थान च समागम नहीं रखिया पर पूरी कोशिश होएगी कि बहुता नहीं तो 2-3 महीनों बाद जरूर इस इलाके का समा आया करे कि जिथों की भी इलाके की संगत किसी शहर की इकट्ठे होके जाएंगे जरूर उन्होंने समा दिता जाएगा भावें एक एक साल दो दो साल कई तीन तीन साल दे संगत पिछे लगी हुई अजे तक समा नहीं दिता तुहानू पता है कि सारे शहरां विच कस्बियां विच सारियां स्टेटां विच और बाहरलियां देशां विच भी जिथे जिथे भी गुरु मान्यो ग्रंथ चेतना समागम हुंदे ने संगत आवाज मारदी है हाजरी भरी दी समा फिर पूरा पूरा हुंदा वंडिया मिलदा इस करके आने वाले समय जरूर दर्शन करांगे इत्थे गंगानगर की संगत का और सिंह साहब जो साडे जथेदार पटना साहब जी दे सिंह साहब ज्ञानी इकबाल सिंह जी जिन्हां दा बड़ा वड्डा सहयोग और तीन दिन उन्होंने बड़े रुझेवियां विचों जिथे अजकल पंथक बड़े वड्डे वड्डे समागम हो रहे ने ते फिर भी इन्हां ने समा कढ़िया ये भी पंथक समागम सी इन्हां दी अगवाई विच गुरु साहब सच्चे पातशाह की सरप्रस्ती हेठ महाराज की कृपा नाल ये समागम हुक्मनामे नाल हुण संपूर्णताई होनी ते बड़े वड्डे भाग ने अपने सारियां दे दर्शन होए ने मैं तीन दिन आप जी दे चरणां च हाजरी भरी है
मैं शब्द माड़ा नहीं इथे कर्ज करांगा। कई लोग आखणगे मैं शब्द है ना जेड़ा बड़ा माड़ा है, मैं नहीं कहना चाहिए दास कहना चाहिए। इथे अर्ज करांगा गुरमुखो मैं शब्द सतगुरां ने वरतिया, मैं दे पिछे की लाण लगे हो, मैं बड़ा वड्डा ज्ञानी, मेरे वर्गा कोई नहीं, यह है मैं माड़ी। वेखो लिखिया मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी। आप रोज पढ़ने ना मैं निर्गुण आरे को गुण नहीं, पिछला शब्द तुसी केड़ा लान लगे हो, यह ध्यान च रखना। हाजरी तुहाडे चरणा च तीन दिन भरी है, जिहड़ी गल मैं गुरमत अनुसार तुहाडे चरणा च रखी है उन्हों प्रवान करो। तो जे कोई गल गुरमत तो बाहर ही कह गया होवां उहदा मैं आप जी तो खिमा दा जाचका हां, क्योंकि जीव भुलनहार है, भुलन अंदर सब को सब भुलनहार। परसों अर्ज कीती सी भाई गुरदास जी कहिंदे ने मैं भी भुल गया, मेरे तो भी भुल हो, भुलनहार है जीव, गलतियां करता है। हो सकता है कोई अखर ऐसा मैं कह गया होवां जिहड़ा गुरमत अनुसार ना होवे, उहदी मैं आप जी तो माफी चाहुंना, खिमा मंगना। बाकी जो आप जी ने सुनिया ये सब गुण गुरु साहब दे ने, औगण दास दे ने, खिमा करोगे जरूर। तीन दिन तुहाडे चरणा च हाजरी भरी है, महाराज ने कृपा कीती एडे वड्डे अमृत संचार विच और एडे वड्डे समागम विच हाजरी भरन दा समां मिलिया। गुरु साहब की मेहर नाल हर जगह ही समागम वड्डे वड्डे हुंदे ने, महाराज की कृपा नाल लखां संगतां समागम विच शमूलियत करदियां ने, जिथे किते भी दीवान हुंदे ने, और हजारां संगतां महीने विच खंडे बाटे दा अमृत छक के गुरु के जहाजे चढ़दियां ने। इह सब तुहाडियां अरदासां और संत बाबा करम सिंह महापुरश राड़ा साहिब वालियां दियां असीसां और गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी सारी बख्शिश है। सो महाराज इसे तरह मेहर करन, जिथे खुश होने वाले बड़े ने पर उथे खिमा करना पिया रहे हो। दिन चढ़ता सारे खुश होंदे ने, उल्लू नूं चंगा नहीं लगता, उल्लू हनेरा पसंद करता। कई उल्लू बिरती दे ने, उल्लू ओ जेड़े ने उन्हां नूं पसंद नहीं आउंदा, ओ उन्हां ने ते कोई ना कोई नुक्स कोई ना कोई घाटां वेखणियां ने। समागम च इत्थे घाट सी, लंगर चाह घाट सी, प्रबंध चाह घाट सी, सुनाउण वालियां चाह घाट सी, उन्हां ने कोई ना कोई गल लभदे रहना हुंदा, असल विच उन्हां नूं इह चंगा नहीं लगदा। सो सच्चे पातशाह बख्शिश करन, कृपा करन, गुण पल्ले बन्नीए, औगणां दा त्याग करिए, ते फिर भी महाराज इसे तरह मिलण दा समां बख्शिश करन, फिर भी तुहाडे दर्शन होण, इह मेरी सच्चे पातशाह दे चरणां च अरदास है। ते धन्नवाद जिथे तुहाडा सारियां दा इलाका है, इलाके दी संगत दा, एक इलाका नहीं इत्थे बैठा राजस्थान दा, गंगानगर दा, जिहड़े अबोरों आए ने उह साडा इलाका थोड़ा, जिहड़े जमुना नगर इलाके दे इत्थे सिंघ तुहाडे च बैठे ने, खान अहमदपुर तों जां होर सारे उधरों आए ने, अंबाले इलाके चों साडा इलाका थोड़ा, जिहड़े सात संगत जी बठिंडे तो आए ने, जां जिहड़े पटियाले तो नाभे तो कल दे सिंघ आए होए ने, उह साडा इलाका नहीं। सच्चे पातशाह की कृपा नाल दूरों दूरों अमेरिका तो भाई दलजिंदर सिंह जी अटवाल, उन्हां दे नाल सरदार गुरदयाल सिंह होनी, यह अमेरिका तो स्पैशल समागम वास्ते आए ने। ते साध संगत जी पिछे जे मैं अमेरिका गया उदों भी सारा इन्हां ने उत्थे प्रबंध कीता सी, ते जदों बुढ़ा जोड़ समागम सी उदों भी आए सी, ते इस समागम विच स्पैशल हाजरी भरन वास्ते पूरा साध संगत जदों अमेरिका दा सफर करके आईए तीन चार दिन ही उठिया जांदा। ये परसों चौथे ही आए ने दवान तो बाद, वो नाल दी नाल इन्हां ने वापस अमेरिका जाना कम कार छड़ के आए, इन्हां दा खास करके धन्नवाद है जो इन्हां ने एड्डी दूरों पहुंच के हाजरी की भरी है, मर दे चरणां च शमूलियत कीती। ते बाकी सात संगत जी जिन्हां ने लंगर पकाउण दी लंगर वरताउण दी सेवा कीती, उन्हां सारी संगत दा, लंगर पकाउण वालियां भैणां दा, ते ट्रैक्टर ट्रालियां लियाउण वाले वीरां दा, जिन्हां जिन्हां ने अपनियां गड्डियां बसां ट्रक व्हीकल जो भी व्हीकलां ते दूरों दूरों संगत नूं लै के आए, ओ सारे वीर भरा जिथे जिथे भी बैठे ने तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। संगत दी चरण धूड़ उन्हां ट्रालियां विच पैंदी आ, उन्हां ट्रैक्टरां ते पैंदी आ, व्हीकलां ते पैंदी आ, साध संगत उन्हां विच भी फिर बरकत पैंदी। सो इह बहुत वड्डी सेवा संगत नूं लै के आउण दी, किसे नूं शब्द नाल जोड़न दी बहुत वड्डा उपराला। जिथे संगत दा धन्नवाद है उथे नाल नाल प्रबंधक कमेटी इथों वाली दा, जिन्हां दा उपराला धर्म प्रचार कमेटी दा, जिहदी अगवाई सिंह साहब जी आप कर रहे ने,
और नाल फिर गुरुद्वारा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो उथों की संगत ने ककारां दी सेवा ककारां दी सेवा कीती है ते नाल नाल सिंघां नूं जिहड़ियां दस्तारां दित्तियां ओह सिंघो बहि जाओ भाई डड्डू होना माड़ा मोटा बहि जाओ साडे एडी कोई गल नहीं होनी डड्डू ही होना वध तों वध होर नहीं कुछ होना ते जे डड्डू तों डरदे हो गल ते बाबे दीप सिंह दी सुण के डे इदां नहीं भाई सो ध्यान देना गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली वालों का बड़ा उपराला उन्होंने बड़ा सोहना ककारां की सेवा भी की होर भी बहुत बहुत उन्होंने खास करके धन्यवाद बाकी परसों तो फूल कस्बा पैंदा रामपुरा फूल उत्थे दीवान शुरू होणगे तीन दीवान हैं अठ नौ दस दे उस तो बाद फिर अगे समागम ने संगरांद तक फिर संगरांद तो बाद दस पंद्रह क दिन का टाइम इंग्लैंड दिता सो जिमें पिछले प्रोग्राम कई थावां ते बाहर दे सन सारे प्रोग्राम रद्द करके जिन्ना चिर रौला चलता रहा सारे प्रोग्राम कैंसल किए ने सारे मालवे के इलाके च दवान दिते गए हुण इस गल की बड़ी लोड़ है प्रचार की पंजाब विच भी जिन्ना क योगदान पाया जाता कोशिश करी दी है भी वड्डे कीआं वडियाईआं करके समा सफल करिए जन्म सफल करिए सो सच्चे पातशाह मेहर करन सारी संगत ने गुरु साहब दे जाण तों बाद जाणा पहला नहीं जाणा ते आओ रल मिल के धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का शुक्र करिए जिन्हां ने हुक्मनामा बख्श के समागम की आरंभता करवाई और हुण हुक्मनामे नाल गुरु साहब के हुक्मनामे नाल ही यह सारे समागम की संपूर्णताई हो ते तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद है साढ़े बारह बजने वाले ने इन्ना लंबा समा यह मैनू पता इतने वह बैठे ने जेडे चार बजे की जगह मल के बैठे पांच